राम मंदिर मसले पर मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पक्षकारों के दिए नाम से तय हो सकता है पैन कार्ड। 6 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर मध्यस्थता का दिया था फॉर्मूला, हिंदू पक्ष तैयार नहीं। निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकारों ने मध्यस्थता पर जताई सहमति, कोर्ट को सौंपे मध्यस्थता पैनल के नाम। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी की सुनवाई की तारीख पर भी हो सकता है फैसला, स्वामी ने विवादित हिस्से में पूजा के अधिकार पर डाली है याचिका। हिंदू महासभा की अर्जी पर भी सुनवाई संभव, केंद्र के ज्यादा जमीन अधिग्रहण पर है याचिका। एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम के स्वागत में लगे पोस्टर, बाहुबली अवतार में दिखाए गए मोदी। प्रधानमंत्री मोदी फावड़ा चलाकर विश्वनाथ कॉरिडोर का रखेंगे शिलान्यास, ओम नमः शिवाय लिखी 5 शिलाओं के साथ करेंगे भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम महिलाओं से करेंगे संवाद, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो परियोजना का भी करेंगे शिलान्यास, दोपहर 12 बजे कानपुर में रैली। प्रधानमंत्री दिल्ली वालों को देंगे एक और एयरपोर्ट का तोहफा, नागरिक उड़ानों के लिए खुलेगा हिंडन एयरपोर्ट। आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, लोकसभा चुनाव पर होगी मंथन। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आडवाणी के भाग्य का फैसला, जोशी और खंडूरी को भी चुनाव लड़ाने या ना लड़ाने पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी सांसदों से मांगा कामकाज का ब्यौरा, एक परफॉर्मा भेजकर 5 साल के काम का मांगा हिसाब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा एक दिन के लिए टला, अब 9 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। दिल्ली में 11 मार्च को बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, 10,000 वर्कर्स को लोकसभा चुनाव में जीत कर देंगे मत। कांग्रेस ने यूपी और गुजरात की 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 11 नामों का ऐलान, गुजरात की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। फरुखाबाद से सलमान खुर्शीद, कुशीनगर से आरपीएन सिंह और धौरहरा से जतिन प्रसाद होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। सहारनपुर से इमरान मसूद, बदायूं से सलीम शेरवानी, उन्नाव से अनुकंदन और फैजाबाद से निर्मल खत्री को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। गुजरात में अहमदाबाद कांग्रेस ने राजू परमार, वडोदरा से प्रशांत पटेल और आनंद से भरत सिंह सोलंकी को बनाया उम्मीदवार। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, रायपुर में बूथ कार्यकर्ताओं के बीच बोले, जो काम 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम 55 महीने में हुआ। केंद्रीय मंत्री ने रंजन ज्योति का विवादित बयान, कहा चुनाव के बाद नानी के घर गायब हो जाएंगे राहुल। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी आज आएंगे दिल्ली, लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल से मुलाकात के आसार। तुर्की पहुंचे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पर्यवेक्षक महेंद्र पाल के सामने भिड़े कांग्रेसी, 2 गुटों में जमकर चले लात घुसे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे की शादी, जमशेदपुर के घर से निकली बारात। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद अब आम आदमी पार्टी को पूर्ण राज्य की मांग का सहारा, घर घर केजरीवाल की चिट्ठी पहुंचाई कार्यकर्ता। संत कबीर नगर मारपीट मामले में सांसद और एमएलए को सीएम योगी ने किया तलब, विधायक राकेश बघेल से फोन पर की बात। क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे अमीर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, डीएमके टीआरएस दूसरे और तीसरे नंबर पर, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। 2002 गुजरात दंगा केस में बाबू बजरंगी को रहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बिहार के बेगूसराय में शहीद पिंटू सिंह के परिवार वालों से मिले नीतीश कुमार, शहीद की पत्नी से किया सरकारी नौकरी देने का वादा। जैश ए मोहम्मद की फिर से भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया सूत्रों से मुताबिक पुलवामा जैसे आतंकी हमले की फिराक में जैश। काजीकुंड अनंतनाग के बीच हमले का प्लान, चोरी की टाटा सुमो से विस्फोट की साजिश। अगले 3 से 4 दिनों में हमले को लेकर अलर्ट, आईडी का इस्तेमाल, दोहरा सकते हैं आतंकी। जम्मू में बस पर ग्रेनेड हमले में सुरक्षा एजेंसी ने जोड़े आतंक के तार, हिजबुल मुजाहिदीन ने साजिश को दिया अंजाम। हमले के बाद पुलिस ने आतंकवादी यासिर को किया था गिरफ्तार, हिजबुल के दहशतगर्द ने कबूला गुना। सामने आया ग्रेनेड हमले के बाद का सीसीटीवी फुटेज, जम्मू बस स्टैंड पर अफरातफरी की तस्वीरें। बस स्टैंड में खड़ी बस पर आतंकियों ने फेंके थे ग्रेनेड, भागने की कोशिश कर रहे हमलावर को पुलिस ने दबोचा। जम्मू में ग्रेनेड हमले के बाद आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वालों पर कड़ी नजर। जम्मू में ग्रेनेड हमले के बाद पंजाब में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम,
हर तरह के एहतियात बरत रही है सुरक्षा एजेंसी। हंदवाड़ा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की सामने आई पहचान, पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान का रहने वाला था दहशतगर्द। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के एक्शन से बौखला गए हैं आतंकवादी, बीजेपी बोली जल्द खत्म होगा आतंकवाद। आतंकियों पर जिस प्रकार का दबाव पड़ा है पिछले कुछ समय से, मोदी सरकार ने जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की है सीमा के भीतर, सीमा के पार भी, आतंकियों पर भी, आतंकी शिविरों पर भी, जो हम सब जानते हैं, उससे हताश हुए हैं। पाकिस्तान को नहीं हुआ यूरोपियन यूनियन का दरवाजा खटखटाने का फायदा, ईयू ने ठुकराई कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश। आतंक के खिलाफ यूएन में भारत को बड़ी कामयाबी, आतंकियों की लिस्ट से लश्कर सरगना हाफिज का नहीं हटाना। लगातार दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हाफिज सईद की मस्जिद को पुलिस ने कब्जे में लिया। बाइक से भिड़ी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की कार, बाल बाल बचे हार्दिक, बाइक वाले को लगी चोट, राजकोट अस्पताल में हुआ इलाज। यूपी के आगरा में चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त हादसा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा शख्स, युवक की बाल बाल बची जान, स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बचाया। देहरादून में खड़ी खड़ी खाक हुई कार, कूड़े से कार तक पहुंची आग। गैस सिलेंडर धमाके से दो लोग जख्मी, घर के अंदर कर रहा था अवैध गैस रिफिलिंग। प्रयागराज में करंट लगने से युवक की मौत, नाराज लोगों ने किया हंगामा, घंटों जाम रहा कानपुर प्रयागराज हाईवे। दिल्ली में कैब ड्राइवर्स को लूटने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार, नौकरी और दिन में नौकरी और रात को लूट की वारदात करते थे बदमाश। यूपी के संभल में 20,000 पशुओं से भरी गाड़ी की टक्कर, ड्राइवर फरार, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। राजधानी दिल्ली में प्रेम प्रसंग को लेकर एक शख्स को चाकू मार कर ली जान, दो नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में नई शराब दुकान के सामने महिलाओं का प्रदर्शन, चारपाई लगाकर घंटों के ट्रैफिक जाम। तीसरी मंजिल से गिरकर महिला की मौत, परिवार वालों ने पति पर लगाया ऊपर से फेंकने का आरोप। पंजाब के तरन तारण में दहेज उत्पीड़न पर बेटी ने खाया जहर, बेटी को तड़पते देख मां ने भी जान दी। रांची में दो सगे भाइयों की हत्या से हड़कंप, गोली मार कर ली जान। दिल्ली में रफ्तार का कहर, ओवरटेक करने के दौरान आरटीवी ने युवक को कुचला, मौके पर मौत। बेगूसराय में नीतीश कुमार को देखने के लिए उमड़ी भीड़, रेलिंग टूटने से 5 बच्चे घायल। यूपी के एटा में जिंदा जल गए 2 बच्चे, झोपड़ी में आग की वजह से जानलेवा हादसा। दिल्ली के मधुविहार में लूटपाट के बाद युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गया में 2 लड़कियों के अपहरण के आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान बवाल, पुलिस पार्टी पर लोगों ने किया हमला। पंजाब के लुधियाना में बहस के दौरान एक पड़ोसी ने दूसरे को मारी गोली, आरोपी फरार। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को 40 साल बाद मिली नागरिकता, कहा अब मिली आजादी। पुणे के कलेक्टर ने थमाई 45 हिंदुओं को सर्टिफिकेट, लगे भारत माता की जय के नारे। उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद पर इनकम टैक्स के छापे से हड़का, वित्तीय गड़बड़ी के लगे आरोप। इंदौर के सम्राट होटल में लगी आग, 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी, 18 साल से 9 महीने कम उम्र की थी दुल्हन। महाराष्ट्र के जलगांव में बेरोजगार युवकों का मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश निकला, 30 किलोमीटर लंबा मार्च। पंजाब के संगरूर में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, गन्ना मिलों की ओर से 50 करोड़ बकाया को लेकर लुधियाना हाईवे किया घंटों जाम। जयपुर में लगातार 5,000 दिन धरना का बड़ा रिकॉर्ड, 18 साल से धरने पर है मेटल कारखाने के मजदूर। पुणे के करीब पिंपरी में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पकड़ में आए तेंदुआ, देर रात वन अधिकारियों ने दबोचा। 5 फीट बर्फ से ढका गंगोत्री धाम, गर्भगृह जाने का रास्ता पर बर्फ ही बर्फ। गंगोत्री का गौरी शंकर मंदिर पर बर्फ की सफेद चादर, रास्तों पर एवलांच का खतरा। करीब 15 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढका केदारपुरी नहीं दिखाई दे रही है मंदिर के आगे बनी नंदी की मूर्ति। केदारनाथ में बर्फ की मोटी परत की वजह से बड़ी मुश्किलें, पूरे इलाके में बिजली सेवा बाधित। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम पर भी असर, भारी बर्फबारी से नहीं हो पा रहा काम। पहली बार 20 रुपए का सिक्का उतारी की सरकार, 27 मिलीमीटर डायमीटर और 8 ग्राम होगा वजन। 7 दिसंबर को जन औषधि दिवस मनाएगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान।
सरकार ने चीनी मिलों को दिए 2790 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी। अगले 3 से 4 महीनों में 12,000 करोड़ का कर्ज चुकाएगी अनिल अंबानी के रिलायंस कैपिटल, कई कारोबार में हिस्सेदारी बेचकर जुटाएगी रकम। 2018 में भारत अमेरिका के कारोबार घाटे में कमी, भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से 1.6 अरब डॉलर गिरा आंकड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की तीसरे वनडे आज धोनी के शहर रांची में होगा मुकाबला। मैच से पहले धोनी ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को दी पार्टी, विराट समेत सभी खिलाड़ी हुए फार्म हाउस पार्टी में शामिल। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर शेयर की पार्टी की तस्वीरें, धोनी और साक्षी को कहा शुक्रिया। चहल ने भी ट्वीट कर पार्टी के लिए धोनी और उनकी पत्नी को आभार जताया। दूसरे टी20 में इंग्लैंड से हारी भारतीय महिला टीम, 5 विकेट से हराकर मेहमान टीम ने सीरीज में दर्ज की 2-0 की अजय बढ़त। टीम इंडिया की ग्रेडिंग जारी, ग्रेड ए प्लस, सिर्फ विराट, रोहित और बुमराह मिलेंगे सालाना 7 करोड़। शिखर और भुवनेश्वर को झटका, ए प्लस से ए ग्रेड में शिफ्ट, मिलेंगे सालाना 5 करोड़। बीसीसीआई के ए ग्रेड में धोनी समेत 11 नाम, पंत और कुलदीप भी शामिल। केएल राहुल और पांड्या को मिले ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट, 4 नामों में चहल और उमेश में शामिल। 7 खिलाड़ियों को मिले ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट, केदार, कार्तिक और शाह शामिल। फिर साथ साथ दिखेंगे बॉलीवुड के करण अर्जुन, संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म, सलमान शाहरुख दोनों। रणबीर कपूर पर कंगना के गैर जिम्मेदाराना वाले बयान पर बोली आलिया, कहा हर किसी की अपनी सोच, अपने काम से काम रखें। सामने आया फिल्म कलंक का पहला लुक, वरुण धवन है फिल्म के हीरो। फराह खान ने प्रियंका चोपड़ा के साथ शुरू की फिल्म स्काई इज पिंक की शूटिंग, शेयर की शूटिंग की तस्वीरें। अभिषेक और ऐश्वर्या का एक फिल्म आना लंबा खिंचा, प्रोडक्शन कंपनी के बंद होने से कटाई में पड़ी फिल्म। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।